हाय एवरीवन, वेलकम टू खाना मनपसंद। मैं कामना चोपड़ा खाना मनपसंद में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज एक और नई रेसिपी के साथ हम ये वीडियो शुरू करते हैं और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये पालक और पनीर का यमी सा पराठा, साथ ही में ये लहसुन प्याज की चटनी और एक ऐसा मेथड शेयर करूंगी जिससे कोई भी इजीली ये स्टफ पराठा बना पाएगा, बिना फटे स्टफिंग भी बाहर नहीं आएगी। तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आए तो, और शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो आइए शुरू करते हैं ये पालक पनीर के पराठे की रेसिपी। इसके लिए मैंने यहाँ पर पालक ले ली है एक पंच, आप 300 से 400 ग्राम पालक ले सकते हैं, और इसको मैंने अच्छे से साफ करके धो लिया है ताकि इसमें कोई मिट्टी ना रहे। सबसे पहले हम इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे ताकि हम इसका प्यूरी बना सकें और उसके बाद हम इससे आटा गूंदेंगे। मैंने पानी अलग पहले ही बॉयल होने के लिए रख दिया है, तो हम गर्म पानी में पालक डाल देंगे और इसको बहुत ज़्यादा बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको हल्का सा ब्लांच करना है, 2 से 3 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी जो डंडियां है ये अलग नहीं की हैं, उसका कारण ये है कि इसमें बहुत सारा फाइबर रहता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, तो इसको हम बॉयल होने देंगे। तो ये देखिए 2 मिनट के बाद पालक अच्छे से बॉयल हो चुकी है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बॉयल हो चुकी है। तो मैं इसे अच्छे से ठंडा कर लूंगी पानी से निकाल करके और उसके बाद इसका पेस्ट बनाऊंगी। पालक का प्यूरी बनाने के लिए हम पालक को छुरी से छान लेंगे। तो ये जो पानी है आप किसी सब्जी में ग्रेवी बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी हेल्दी है, इसमें पालक के सारे गुण हैं। तो ये देखिए इसको हम अच्छे से पानी निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। तब तक हम पनीर की स्टफिंग बना लेंगे। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर लिया है, आप इसे क्रम्बल कर सकते हैं या फिर ग्रेट कर सकते हैं। मैं इसे इस तरह से हाथ से अच्छे तरीके से फोड़ लूँगी क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट है ये, क्योंकि ये घर का बना पनीर है। पनीर के साथ साथ हम इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे, आप ये स्वादानुसार डाल सकते हैं। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा मैंने कद्दूकस कर लिया है, वो भी डाल देंगे। साथ ही यहाँ पर 1 बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप ऐड करें, अदरवाइज अवॉइड कर सकते हैं। आप इस स्टफिंग में आलू भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो। यहाँ पर मैंने काला नमक लिया है 1 छोटा चम्मच, डाल देंगे क्योंकि पालक में भी नमक होता है, तो नमक ध्यान से ऐड करें। 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर क्योंकि हमने यहाँ पर हरी मिर्च भी यूज़ की है। साथ ही इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर 1/2 छोटा चम्मच किचन किंग मसाला डाल रही हूँ। तो इनको मिक्स कर देंगे अच्छे से और साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर या चाट मसाला, और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अगर आपको इसमें कोई बड़े लम्स दिखाई दें पनीर के तो उसको भी क्रम्बल कर दें। हमने यहाँ पर स्टफिंग को इसलिए पहले बनाया है ताकि जो फ्लेवर्स हैं वो सारे ब्लेंड हो जाएं अच्छे से, क्योंकि पनीर के पराठे कई बार फीके फीके लगते हैं। तो ये देखिए स्टफिंग रेडी है, इसको हम साइड पर कर देंगे और अब पालक को पीस कर प्यूरी बना लेंगे और साथ ही आटा लगा लेंगे। तो पालक को हम ग्राइंडिंग जार में भर लेंगे, इसको पीस लेंगे हम। तो ये देखिए बिल्कुल बारीक पेस्ट बनकर के रेडी है, तो हम इसी पेस्ट से डो लगा लेंगे। 2 कप गेहूं का आटा लेंगे, 2/2 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। आप चाहें तो इसमें टेस्ट के लिए अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ नहीं ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसमें डालेंगे ये पालक का प्यूरे। हम इसमें पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आटा को लगाने के लिए। आप इसी आटे से पालक की पूरी भी बना सकते हैं। यहाँ पर 1-2 चम्मच पालक प्यूरी बचा है, आप इसे पास्ता में, किसी ग्रेवी में या फिर चटनी में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसे गूंदने के लिए थोड़ा सा और आटा ऐड कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल सॉफ्ट सा डो हमने रेडी कर लिया है, 1 से 2 बूंद ऑयल डाल देंगे और आटे को अच्छे से मल लेंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए कितना सॉफ्ट सा डो बन करके रेडी हुआ है। तो इसे 10 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे और उसके बाद हम पराठे बनाना शुरू करेंगे। जब तक ये डो रेस्ट कर रहा है तब तक हम
एक स्पेशल चटनी बना लेंगे इन पराठों के साथ के लिए। तो मैं सेम जार यूज कर रही हूँ, इसमें लगभग 2-3 चम्मच पालक का पेस्ट है। इसमें डाल देंगे एक हरी मिर्च, एक मुट्ठी धनिया के पत्ते जिनको कि मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, 4 से 5 लहसुन की कलियां, साथ ही 2 हरे प्याज धोकर के ले लिए हैं मैंने, और इनको इस तरह से मोटा मोटा काट के डाल देंगे इसमें। 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, या आप इसकी जगह चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, या फिर 1 छोटा नींबू का रस, 1 छोटा चम्मच काला नमक, आप चाहें तो भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हैं। साथ ही इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच पानी और इसको बंद कर देंगे, चटनी पीस लेंगे। चटनी भी रेडी है, देखिए चटनी का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया चटनी बनी है, तो हम इसको साइड पर रख देंगे। अब हम पराठे बनाना शुरू करेंगे। डो को एक बार फिर से मसल लेंगे। तो पराठे बनाने के लिए सबसे पहले एक पेड़ी बनाएंगे, इसको हम थोड़ा सूखा आटा लगा लेंगे और उसके बाद इस तरह से इसे शेप करेंगे। इस तरह से प्रेस करते हुए हम इसे एक कटोरी की शेप दे लेंगे, बीच से मोटा और किनारों से इस तरह पतला करते जाएंगे कि देखिए इस तरह से कटोरी की शेप बना लेंगे। तो अब हम इसमें रखेंगे स्टफिंग, ये देखिए लगभग 2 चम्मच के करीब स्टफिंग डाल दी है मैंने, और अब हम इसको इस तरह अंगूठे से दबाते हुए उठाते हुए हम इसको बंद कर देंगे। आप चाहे तो इसका डो रात में बना करके रख सकते हैं, स्टफिंग भी रात में रेडी कर सकते हैं, और सुबह में टिफिन के लिए या कहीं जाने के लिए किसी भी ओकेजन पर नाश्ते में ये पराठे जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो इसको हम प्रेस कर लेंगे, ये देखिए। तो अब हम पराठे बेल लेंगे, इनको हम बहुत ज्यादा प्रेशर से नहीं बेल रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, ताकि पराठी फटे नहीं और बहुत ही अच्छी सी पराठी बनकर के रेडी होती है। ये देखिए पराठी रेडी है, तो अब हम इसे सेक लेंगे। मैंने तवा पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया है, इस पर पराठी डाल देंगे। 10-15 सेकंड के बाद इसको पलट देंगे, थोड़ा ऑयल लगा देंगे, आप ऑयल या घी कुछ भी यूज कर सकते हैं, पलट देंगे। तो ये देखिए कितनी बढ़िया सी पराठी बनकर के रेडी हो रही है, आप देख सकते हैं पराठी किस तरह से फूल चुकी है। आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली करारा कर सकते हैं, कम या ज्यादा सेक सकते हैं। पराठी बनकर के रेडी है, तो हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। इसी तरह से एक और पराठी बना लेंगे, पेड़ी बनाएंगे। आप जैसी पराठी बनाना चाहें, मोटी या पतली अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। उसको आटा लगाएंगे, उसको बेल लेंगे। अगर आपकी पराठी जो है फट जाती है तो इस तरीके से बिल्कुल नहीं फटेगी। ये स्टफ पराठी बनाने का सबसे इजी तरीका है। एक्चुअली मेरी जो नानी जी थी वो इसी तरीके से बनाती थी। तो ये देखिए एक हमने इसको लंबा बेल लिया है, ये देखिए इसको यहाँ बीच में से हम इस तरह इकट्ठा कर देंगे, कुछ इस तरह से बटरफ्लाई की शेप बन गई है। अब हम इसमें स्टफिंग रख देंगे, स्टफिंग का एक बॉल बना लेंगे और इसको इस तरह से एक साइड पर रख देंगे। आपको जितना स्टफ करना हो उतना रखें, बस इस हिसाब से रखें कि जब हम इसे बेलें तो ये फटे नहीं। तो अब हम इस दूसरे वाले हिस्से को इसको ऊपर से ऐसे ढक देंगे और यहाँ साइड से अच्छे से प्रेस कर देंगे किनारे, ताकि अच्छे से चिपक जाए। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसकी पेड़ी रेडी कर ली है। तो इस तरह से अगर आपको बिल्कुल नहीं भी आता तब भी आप ये स्टफ पराठी बना पाएंगे, और इसको हम बेल लेंगे। और ये देखिए सूखा आटा लगा करके इसको इस तरह से फैला करके हल्के हाथ से रोल करते जाएंगे और घुमाते जाएंगे। इस तरह से स्टफिंग भी बाहर नहीं आएगी और पराठी बहुत ही बढ़िया बनती है। तो ये देखिए हमने इसे भी बेल लिया है, अब हम इसको सेक लेंगे। तवा गर्म है, आप देख सकते हैं पराठी कहीं से भी फटी नहीं है दोनों तरफ से। तो इस तरह से हम इसे इजीली बना सकते हैं। पराठे तवे पर डाल देंगे, जैसे ही एक तरफ से हल्का सिक जाएगा पलट देंगे, इस पर 1 छोटा चम्मच ऑयल लगा देंगे। इसे चेक करेंगे, ये देखिए दोनों तरफ से सिक चुकी है,
और इसे खोल लेंगी। ये देखिए पराठी कितनी बढ़िया है, किस तरह से स्टफ्ड है आप देख सकते हैं। तो ये देखिए किस तरह की पराठी है ये। तो मैं इसी तरह बाकी सभी पराठियां बना लूंगी। मैं यहाँ पर पनीर की पराठी को सर्व कर रही हूँ इस लहसुन प्याज वाली चटनी के साथ, और सर्दी में बनाए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, साथ में हो ये पालक पनीर की पराठी चटनी, और साथ मिलेंगे थोड़ा सा अचार। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और खाना मनपसंद को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मुझसे और मेरी फैमिली से तो बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है इस यमी से दिखने वाले नाश्ते को टेस्ट करने का। सो डू ट्राई दिस रेसिपी एंड शेयर योर फीडबैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय खाना मनपसंद। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड। बाय।